एविडेंस समझो। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर भगवान राम बिश्नोई गवर्नमेंट लॉ कॉलेज प्रिंसिपल बोल रहा हूं। आज जो है हम एविडेंस एक्ट शुरू कर रहे हैं, साक्ष्य विधि। साक्ष्य विधि में तीन नाम है, आज मेरे पास बोर्ड नहीं है, मैं वैसे ही इजी मूड में आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुन लेना। एविडेंस एक्ट में तीन पिलर है, तथ्य, फैक्ट्स, सुसंगत तथ्य, रेलेवेंट फैक्ट्स, फैक्ट्स एंड इश्यू, विवादक तथ्य। ये तीन नाम 6 महीने तक जब हम पढ़ते थे तो हमें समझ में नहीं आया था, और ये तीन नाम यदि आप समझ में लोगे तो एविडेंस आपकी पूरी हो जाएगी, तो आप प्रयास करें। तो तथ्य आज हम लेंगे, तथ्य फैक्ट्स, सुसंगत तथ्य से आप क्या समझते हैं और इसमें क्या शामिल है। सुसंगत तथ्य का मतलब है घटना, वाक्य, स्टोरी, इसके उपनाम है। तथ्य में ये पूरा संसार सब कुछ इसमें शामिल है, आकाश पाताल वायु सब इस तथ्य में शामिल है, घटना वाक्य स्टोरी ये सब इसमें शामिल है। अब तथ्य में क्या चीज शामिल है, इंक्लूड्स क्या है इसमें, तो नंबर एक तथ्य की अवस्था मतलब स्टेज, दूसरा है जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, सेंस वुमन सेंसेबल हो, तीसरा है जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, इसका मतलब है मेंटल एंड फिजिकल फैक्ट्स, तो ये इसमें शामिल है। तो तथ्य की अवस्था, अवस्था का मतलब ये होता है कि जो है वो किस अवस्था में है, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी ऊपर से टकराई, नीचे से टकराई, सामने से टकराई, कोई लटका हुआ है तो कैसे लटका हुआ है, कोई डेड बॉडी पड़ी है तो कैसे पड़ी है, नीचे है कि पलंग के ऊपर है, कौन सी अवस्था में था, उसका मतलब ये है। स्टेज क्या थी, शेप क्या थी। अगला आता है जिसका भान, नहीं अगला पॉइंट है जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, वुमन सेंसेबल हो। इंद्रियों द्वारा बोधगम्य का तात्पर्य यह है कि हम तो ये पांच अपने इंद्रिय हैं, प्रधान इंद्रिया आंख, नाक, जीवा, कान, ये ऊपर वाले हिस्से में, और फिर एक शरीर, ये पांच प्रधान इंद्रिय हैं। इन प्रधान इंद्रियों द्वारा हम जो भी कुछ समझते हैं या हमें अनुभव होता है तो वो है इंद्रियों द्वारा बोधगम्य होना। जैसे आंख से कोई देखा, क्या देखा, कोई आवाज कान से सुनी, बंदूक की गोली चली है, एक टायर फटा है, एक बम फटा है, एक आवाज से हम पता लगा लेते हैं, नाक से गंध से पता कर लेते हैं गंध किस प्रकार की है, मान लीजिए कमरे के अंदर किसी ने फांसी पर लटका हुआ है और तुरंत आए तो गंध नहीं आएगी, लेकिन 4-5 दिन की पुरानी डेड बॉडी है तो गंध आ जाएगी। इस प्रकार से आकाश पाताल वायु जो कुछ भी हम इंद्रियों द्वारा बोधगम्य, सर्दी है, गर्मी है, ये हमारा शरीर बताएगा, जीव हमारा टेस्ट बताएगा, छारी है, एक लवणी है, एक अम्ली है, क्या है, इसके द्वारा जो हम अनुभव करते हैं वो सारे के सारे फैक्ट्स है। फिर आता है जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, भान का मतलब जिसकी कॉन्शियस ये समझे कि ये व्यक्ति, जैसे उदाहरण के तौर पर एक फट्टे पूरे पुराने कपड़ों का व्यक्ति है, चिथड़े पहने हुआ, तो उससे आप समझेंगे ये कोई भिखारी होगा, साधु है, कोई साधु की ड्रेस पहनी हो तो अपन प्रथम दृष्टि ये कहते हैं कि ये साधु है। तो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया है तो उसकी मेंटल कंडीशन को समझना होता है, और मेंटल कंडीशन में दो आते हैं, फिर इसको हम अपन बांटते हैं दो भागों में, तथ्यों के प्रकार यदि हम काइंड्स ऑफ फैक्ट्स मानते हैं तो जो है इसमें दो प्रकार के आते हैं। पहला आता है फिजिकल फैक्ट्स, भौतिक तथ्य, भौतिक तथ्य गोली चलना, बंदूक से गोली चलना, मारना, मारपीट करना, चिल्लाना, आपने जो कुछ भी आंखों द्वारा देखा है, इंद्रियों द्वारा बोधगम्य, वो भौतिक तथ्य। भौतिक तथ्य को कोर्ट में साबित करना आसान होता है आई विटनेस के द्वारा या एविडेंस के द्वारा या डॉक्टर की रिपोर्ट के द्वारा, ये आसान होता है। दूसरा होता है मेंटल फैक्ट्स, मानसिक तथ्य। मानसिक तथ्य का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है,
मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अपराधी ने कोई अपराध कारित किया है तो उसके दिमाग में ये अपराध कारित क्यों किया। उदाहरण के तौर पर एक दादा पर यह चार्ज लगा कि उसके पोते की जो है उसने गला घोंट के मार दिया, ऐसा चार्ज उस पर था। फोटो भी था गले में लिए हुए, बच्चे के यूं किए हुए फोटो भी खींच लिया था। तो लेकिन जब पता चला तो दादा पोते कैसे मार सकता है, उसकी मेंटल कंडीशन क्या थी, इसको समझने के लिए बहू को पता नहीं था और दादे को फिट्स आते थे अर्थात मिर्गी। जब वो खिला रहा था पोते को उस दौरान वो ऐसे ऐसे खिलाते उसको मिर्गी के दौरा गया, उसको कोई पता ही नहीं चला और बच्चे का गला दब गया और वो मर गया। तो मेंटल कंडीशन को भी प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि जस्टिस बावन ने यह कहा है कि जिस प्रकार से पाचन क्रिया, जैसे मुंह में हम कवा लेते हैं और उसमें 206 नाड़े हमारी काम करती, कौन सी नाड़ ने कितना काम किया, जिस प्रकार से पाचन क्रिया को समझना डॉक्टर के लिए जरूरी है, ठीक वैसे ही एक अधिवक्ता को या विधि के विद्यार्थी को या जज को यह समझना जरूरी होगा कि इसकी मेंटल कंडीशन क्या थी, इसने ये अपराध कारित क्यों किया, इसकी इंटेंशन क्या थी, इसका मोटिव क्या था, इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। इसलिए ये मानसिक तथ्य को साबित तो करना ही पड़ेगा आपको। तो ये हुआ आपका फैक्ट्स, कल अपन करेंगे फैक्ट्स एंड इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ें। सेकेंड ईयर वाले आगे थर्ड ईयर में शुरुआत कर दें। आज एविडेंस का पहला ABCD हम आपको कई दिन इस तरीके से सिखाते रहेंगे। थैंक यू।